ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੈ ਹਿੰਦ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ये ब्लड डोनेशन कैंप आज आप ये सिविल अस्पताल के इस परिसर में खड़े हैं। आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का वो जो कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है वहाँ आप देखिए कितनी सारी मेरी महिला मित्र हैं जो वापस जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो इतनी भीड़ है आज यहाँ शहादत को समर्पित 42वीं शहीद लाला जगत नारायण जी की शहादत को आज ये समर्पित ब्लड डोनेशन कैंप की भाव ये है कि शहादत में इस भारत भूमि के चरणों में अपने तन का एक एक जो लहू की बूंद समर्पित अर्पित कर दी, आज अपना प्रेम हम अपना श्रद्धांजलि हमारा जितना महिला समाज की बात करूंगी हम ब्लड डोनेशन करके उस लहू को ही लहू समर्पित करके ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। विशेष बताऊंगी पद्मश्री श्रीमती रजनी बैक्टर जी उन्होंने आकर महिला समाज को यहाँ से रिप्रेजेंटेशन किया, हमारी जॉइंट कमिश्नर सौम्या मिश्रा जी यहाँ पर आई और बहुत से हर सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से महिलाओं ने आज इसमें आकर एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया है और समाज में यदि देश की रक्षा में आज देख रहे हैं हर तरफ आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में भी आज की महिला वो महिला नहीं है जो सुई से डरती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं बोलने वाली थी मैम कि पहले जमाना और था कि जो महिलाएं थी चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकलती, आज महिलाएं चांद पर भी पहुंच गई और पहले ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रही है। बिल्कुल ठीक, इसरो की टीम में आप जानते हैं कि महिलाओं का कितना खूबसूरत सा एक वो गुलदस्ता उसको महका रहा था, तो ये बदलता भारत है श्री नरेंद्र मोदी की ये अमृतकाल की ये महिलाएं लक्ष्मी सम यहाँ सुसज्जित होंगी, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सेवा में भी हम आगे हैं हर प्रकार से। मैम ब्लड डोनेशन कैंप की अगर बात की जाए तो सिर्फ यहीं पर लगा रहे हो या कहीं और भी लगा रहे हो? मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ही संवेदना ट्रस्ट ने आज ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रकार के 7 आज पूरे लुधियाना में आज बाऊजी जो हमारे पद्मश्री विजय चोपड़ा जी है, आप देखें यहाँ हमारा सारा ये हमारा पत्रकार समाज यहाँ उनका इंतज़ार कर रहा है, उनके लिए बहुत आदर मान इस पूरे परिवार के लिए, ये परिवार बिरला परिवार है जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, तो उनके प्रति उनके निमित्त जितना भी वो समाज में सेवा आप देखिए स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लाला जगत नारायण जी, उसके पश्चात आज़ाद पंजाब की ज़मीन से उन्होंने इसकी एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी, इस प्रकार के आप देखिए ये लहू उनकी पूरी मैं कुल दीपक के समान मैं उनको समझती हूँ, चाहे आगे अभिजीत चोपड़ा जी हैं उनके बेटे हैं उनके पोते हैं, तो ये पूरा परिवार वास्तव में समाज के द्वारा बहुत ही सम्माननीय है और आज ये मैं जितना बढ़ चढ़ कर ये सैलाब सा सभी आप देखिए 7 हमारे कैंप्स लगे हुए हैं और इतनी भीड़ है कि लोग वापस जा रहे हैं कि हमारी बारी नहीं आनी, किसी ने बच्चे को लेना है स्कूल से, जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स निकल गई इस तरीके से, तो बारी नहीं आई है, बहुत बढ़ चढ़ के लोग इस खूनदान कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है कि खूनदान महादान है, सबसे उच्चतम दर्जे का ये महादान है, पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पंजाब में खास करके इसके फिरका परस्त लोग जो हैं वो पंजाब में भेदभाव पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो जब ब्लड की बारी आती है तब उन ये भेदभाव कहाँ जाता है? आपको ये शायद असली मैं कहूँगी इसी को, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, यही चर्च है, यहाँ से हम सभी को समझना चाहिए कि खून का रंग लाल है। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रूर हम सभी अपने अपने धर्म में पुष्ट रहते हुए हम मानवता को हम मुख्य रखते हुए संवेदना जो मानवता का सबसे मुख्य गुण है, हम संवेदनात्मक होते हुए हम जन समाज के जब दर्द दुख में हम उनके लिए आगे आएंगे तब वास्तव में हम जो ये मानव बनके और भारतीय बनके जब हम तब हमारा भारतीय होना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। सो तुसी गलबात कीती राशी अग्रवाल मैम ना, उन्होंने दस्या कि ब्लड डोनेशन कैंप जिहड़ा अज लगाया गया उहदे विच स्पैशली नवी नवी टैक्नीक्स भी शामिल है, तो उन्होंने यह भी कहना कि काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच इत्थे लोग जिहड़े शामिल होए ने,
देखना यह है कि हुन इस कैंप की कामयाबी किस दर तक जाती है। जय माता दी जी, आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की मेमोरी में ब्लड कैंप संवेदना ट्रस्ट द्वारा लगाया जा रहा है। सारे पंजाब ने उत्तरी भारत में ये पिछले 15 दिनों से ब्लड कैंप लग रहे हैं, पंजाब केसरी के और विजय चोपड़ा जी की भावना के साथ। ये कार्य शायद सबसे उत्तम कार्य है। विजय चोपड़ा जी सदा ही सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए हो। अब उन्होंने ब्लड बैंक का, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है और सारी जो टीम है ना पंजाब केसरी की, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी उनके फोटोग्राफर हैं, इस कार्य में तहे दिल से जुट जाते हैं। उनमें भी मुझे तो कितनी बार विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा और झलक भी नज़र आती है। मैं प्रेरणा प्रीत के सभी पत्रकारों को, पंजाब केसरी के सभी पत्रकारों को, सोनू जी हों या गुप्ता जी हों या किशन राजपाल जी हों, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो ऐसे शुभ कार्य में सदा हम सब का मार्गदर्शन करते रहे। जय माता दी, जय माता दी। सत श्री अकाल मैम। की नाम है तुम्हारा? अर्पित चुंबर। अच्छा, तुसी इत्थे ब्लड डोनेट करना है? हाँ जी, मैं इत्थे अपने स्टूडेंट साथियों नाल इत्थे ब्लड डोनेट करना आया जी। अच्छा, हुण तक किन्ने स्टूडेंट्स ने तुहाडे नाल ब्लड डोनेट किया? इत्थे साढ़े 10 तो 15 स्टूडेंट ने ब्लड डोनेट किया है, जो कि जिन्होंने पहली बार डोनेट किया है उन्होंने असी चंगे काम के लिए मोटिवेट करते हैं। जिदा कि अज किसी नूं भी कदे भी किते भी लोड़ पैंदी है तां साडे साथी साडे नारे नाल खड़े आ। कदे भी सानूं अजय जैन जी ने इत्थे बुलाया सी, असी उन्हां दा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, अज तुसीं ब्लड डोनेशन कैंप दे विच स्पैशली आए हो, तुसीं की कहना चाहते हो? हाँ जी, क्या फिर से पूछेंगे जी? सॉरी, ब्लड डोनेशन कैंप दे विच स्पैशली शिरकत कीती है, की कहना चाहते हो? सब लोग जितना दान कर सके कर पाए जी, बिकॉज ये तो महादान है, इससे बड़ा दान तो कुछ भी नहीं होता। पर सर हुण तक किन्नी कु अमाउंट दे विच लोकां ने इत्थे दान किया? देखो जी, जितने भी हो, 2 यूनिट भी आए, मेरे को उसी से खुशी है। मायने नहीं रखता कितना आ रहा है, मायने ये रखता है कि लोग आए हैं, आप सब इकट्ठे हुए हैं, वही मायने रखता। काफ़ी संस्थावां भी नाल जुड़ी हुई हैं, तुहानू कि लगता कि इदां ही कड़ी नाल कड़ी जुड़ती रहेगी अगे? हमेशा यही होता जी, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। लुधियाना वासियों का सपोर्ट मिले? बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार है जी। आप, मैं शुक्रिया करता हूँ सारे लुधियाना का, सब खड़े रहते हैं और मिलके खड़े रहेंगे तो बचा रहेगा हमारा देश जी, नहीं तो लूटने को तो मुगल भी आए थे जी, लूट के चले गए। बिल्कुल, ये उद्दा दी सेवा है जिदे च एमरजेंसी दे विच सब तो ज़्यादा जरूरी खून ही हुंदा है, ते कई बार ना मिलन दे कारण लोग जिहड़ी जान तो हाथ तो पैंदे है, बहुत जरूरी है महादान। कोशिश यही है जी कि देखिए, आदत डालने वाली बात है, क्योंकि खूनदान से कुछ आपके शरीर को फ़ायदा ही होता है, आपका नवा ब्लड बनता है उससे शरीर को फ़ायदा होता है। तो लोगों के मन में यह है खून कम हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम सब लगे हुए हैं, धीरे 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 जितने ज़्यादा लोग करेंगे देखा देखी और लोग इंस्पायर होते हैं, तो मेरा मेन मकसद ही है कि धीरे धीरे लोग और इंस्पायर हों ब्लड डोनेशन करने के लिए। भगत साहब, तुहाडे नाल भी गल करूँगी। सत श्री अकाल जी। सर, तुसीं एज अ चीफ गेस्ट इत्थे पहुंचे हो, की कहना चाहते हो? मैं सब तो पहला इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगा जिन्होंने बहुत वधिया उपराला करके अज देश के लोगों की जान बचाने, क्योंकि खूनदान जरा महादान है, सब तो बड़ा दान खूनदान है। और ये जो खून है किसी वक्त किसी टाइम के एमरजेंसी किनू यूज आना है, वो उस परिवार को पुछ के देखो अज इन ब्लड की लोड़ है। पर कित ना कि जे बच्चों ने ब्लड दिता है, मैं कहूँगा बहुत वधिया सलाघा योग कदम किया और आस है कि इसी तरह ही साडे बच्चे इस तो प्रेरित लैन और तकनों ज़्यादा तो ज़्यादा खूनदान देन, जिस ने आप देश के पंजाब के लोगों की जान बचा सकी। कई बार ऐसा होंगे कि ब्लड देने परिवारों की जान बच जाती है, इस करके बहुत वधिया कदम है। और संवेदनशील दे सारे मैंबरों को धन्यवाद करता और खास तौर पर पंजाब किसी ग्रुप का जिन्होंने एक बहुत वधिया उपरला करके अज पंजाब नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने कैंप लगाए ने। सो बिट्टू गुंबर जी साढ़े नाल मौजूद ने, जो हमेशा ही समाज सेवा के कामों के अगे आते। सत श्री अकाल सर। जय श्री राम जी। अज शहीद आजम साढ़े प्रेरणा स्वरूप लाला जगन नारायण जी की पुण्यतिथि रहे अज, जो कि सिविल हॉस्पिटल के ब्लड कैंप लगाया गया जिते हज़ारा लोगों ने कैंप में पहुँच के ब्लड दान किया। मैं सारे अपील करता कि अपन सारे ये सेवा के कार्य इस तरह ही करते रहने चाहिए। जो खून है वह सब तो वड्डा दान है, वो किसी के भी ऐसे मरीज के काम आ सकता जिन्हों जरूरत है। खून दान महादान, तो मैं तुहाडे चैनल द्वारा यही अपील करूँगा कि सब नूं वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और विशेष तौर पर साडा छोटा वीर सोनू जिहड़ा कि हमेशा ही 24 घंटे इहो जिहे कम्मां लई हाजिर रहिंदा है, इहदा कीता है उपराला अज मैं कहना सुनहरे अक्षरां 'च लिखिया जाएगा। जय श्री। तुसीं की कहना चाहते हो?
जी ये सेवा है, सेवा का मौका उपर वाले की कृपा ना मिलता है, जिन्हों सेवा का मौका मिल गया वो छड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य कार्य तो यही है जो आप हूँ कर लिए, बाद पुण्य मिलना या नहीं मिलना वो पता नहीं है। सो हम गरीबों लिए हमेशा ही आवाज़ चक्कन वाले सच्चा यादव जी भी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया। अज तुम ब्लड डोनेशन कैंप के आए हो? जी, ब्लड डोनेट भी किया है और मेरे नाल कई मेरे साथियों ने ब्लड डोनेट किया है, यूएन जी टीम सच्चा यादव तो शहर के कई लोगों ने, और अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 42वीं पुण्यतिथि से मैं कहूँगा सैलाब आ चुके हैं लुधियाने शहर के, न जाने हज़ारा की तादाद लोगों ने ब्लड डोनेट किया और होना भी चाहिए। देखो ऐसी कोशिश जरूर होनी चाहिए है लोगों लिए, क्योंकि ब्लड रक्तदान महादान है, किसी की जिंदगी बच सकती है, बचा सकते हैं। सो मैं लोगों को कहाँगा कि बार बार कहाँगा कि रक्तदान जरूर करना चाहिए, इन किसी भी किस्म का बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, दिक्कत नहीं आती, उल्टा थोड़ा बॉडी मैं कहूँगा ब्लड प्यूरीफाई होंगे, साफ होंगे वै। सो प्लीज़ वो तो वे नज़दीक कित भी अगे तो कैंप लगे तो जरूर दियो, और ये बहुत अच्छी कोशिश पंजाब केसरी अखबार ने अज की है। मैं अगे भी कहना कि पंजाब केसरी सिर्फ अखबार नहीं है, एक संस्था है और संस्था बन के शहर के लोगों जगाती है और अच्छे काम करना सिखा। कितना कितने देखने मिलता कि जी अजकल ब्लड जो डोनेट करन के नाम से तस्करी भी की जाती है, उन्होंने बारे की कोई मैसेज देना चाहोगे यहोजे लोग? देखो यहोजे लोगों से नकेल पानी चाहिए है, और बिल्कुल जोड़े गलत काम बाकी करते, बाकी का देखो करम है, करम है, अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो परमात्मा नज़र कर जोड़ा करता है, दुनिया गोल है, सब इतने चुका के जाना पैदा है। अज ब्लड डोनेशन कैंप के वख वख हस्तियां ने इत्थे शिरकत की है, असी सब ने गलबात करन की कोशिश की है। तुसी दसो तुहानू यह उपराला किदां दा लग्या, पंजाब केसरी वालों जिहड़ा यह उपराला है किन्ना कु शलांघायोग है, कमेंट सैक्शन च अपनी राय जरूर देना। नवे अपडेट नाल फिर हाजिर होवांगे, उद तक बने रहो। कैमरामैन नवजोत दे नाल जसप्रीत, सिटी होम न्यूज़।